नमस्कार दोस्तों, सिप्ला कंपनी का यहाँ पर स्टॉक देखने को मिल रहा है। फार्मास्यूटिकल कंपनी का स्टॉक है, 1127 रुपए पर यहाँ पर स्टॉक का प्राइस देखने को मिल रही है। सिप्ला की मैंने मेडिकल पर बहुत सारी दवाइयाँ यहाँ पर देखी हुई है, जिस पर मैंने सिप्ला की दवाइयाँ भी ली हुई है। बीमार होने पर मैं सिप्ला की दवाइयाँ भी लेता हूँ दोस्तों, और यहाँ पर 26 रुपए की स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है सिप्ला कंपनी के शेयर में। और दोस्तों 2.23% की यहाँ पर स्टॉक की गिरावट देखने को मिली है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें वीकली की, तो दोस्तों यहाँ पर वीकली ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर वीकली का सपोर्ट भी है, स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। थोड़ी सी अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ पर बनाई है स्टॉक ने, अगर हाई मोमेंटम बन सकता है, गैप अप में अगर ओपन होता है तो अच्छी खासी मोमेंटम बन सकती है अपसाइड। और बात करें वीकली का, तो यहाँ पर 23 रुपए की गिरावट है, 2% का यहाँ पर स्टॉक का गिरावट देखने को मिल रहा है। और दोस्तों महीने की बात करें तो एक महीने का यहाँ पर 24 रुपए की गिरावट है, 2.2% की फिर भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक एंड सपोर्ट का रेजिस्टेंस यहाँ पर बन सकता है, 1100 रुपए पर यहाँ पर स्टॉक सपोर्ट बना सकता है दोस्तों। 1150 1153 पर यहाँ पर स्टॉक का सपोर्ट बनाकर हाई मोमेंटम बनाने की संभावना बन सकती है। और दोस्तों आपसे मोमेंटम यहाँ पर बन सकती है, 1150 से 1153 के बीच यहाँ पर स्टॉक का सपोर्ट बना सकता है। बात कर दोस्तों यहाँ पर ईयरली के साथ, तो स्टॉक अगर यहाँ पर ब्रेकडाउन करता है 1155 1153 पर, तो अगर यहाँ पर ब्रेकडाउन करता है 1150, तो भारी गिरावट की संभावना स्टॉक पर बन सकती है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर बन सकता है 1168, और यहाँ से फिर आप दोस्तों देख ही सकते हैं स्टॉक की जो प्राइस, स्टॉक का जो चार्ट आपने देखने को मिल रहा है। और बात करते हैं दोस्तों ईयरली की, तो यहाँ पर 14 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, 1.24% की यहाँ पर गिरा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है दोस्तों। 5 रुपए के साथ भी यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम बनी हुई है, यानी कि स्टॉक अपसाइड मोमेंटम हिंड यहाँ पर स्टॉक दे सकता है दोस्तों। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो आखिरी के चार्ट में अपसाइड मोमेंटम स्टॉक ने दी है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ऑल टाइम के साथ स्टॉक की गिरावट बनी हुई है, तो दोस्तों यहाँ पर बाजार की गिरने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल रही है शेयर की। और दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें अपसाइड की, तो 5 ईयर के चार्ट में यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रही है, और ऑल टाइम और ईयरली और ऑल टाइम के साथ यहाँ पर स्टॉक की गिरावट की मोमेंटम स्टॉक में बन सकती है। तो दोस्तों अगर आप टुडेज लो यहाँ पर देखें, तो 1154 रुपए का, और टुडेज हाई यहाँ पर 1188 रुपए का देखने को मिल रहा है। 52 सप्ताह का हाई यहाँ, लो यहाँ पर 852 रुपए का देखने को मिल रहा है, और हाई 1277 रुपए देखने को मिल रहा है दोस्तों। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाजार में निवेश करते हैं, इसमें वित्तीय जोखिम की संभावना हो सकती है, कृपया अपनी जिम्मेदारी पर बाजार में निवेश कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।